से बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते फिर बनेंगे माइक्रो कंटेनमेंट एरिया बनाए जाएंगे। साथ ही लॉकडाउन के दौरान अब किराना फल फ्रूट की दुकानें, सब्जी दुकानें, दूध डेयरी दिन भर नहीं रह पाएंगे खुली। नर्मदा स्नान पर भी अस्थायी रूप से आदमी आदेश तक लगाई गई। रोक बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते कंटेनमेंट एरिया और लॉकडाउन को लेकर सरकार द्वारा नई गाइडलाइन जारी। अब माइक्रो कंटेनमेंट एरिया बनाए जाएंगे, यानी उस स्थान पर फैले संक्रमण के आधार पर संक्रमित पाए गए व्यक्ति का घर, गली या कुछ घरों को वहां के हालात के अनुसार कंटेनमेंट एरिया बनाया जाएगा। इसके साथ ही लॉकडाउन को लेकर भी नई गाइडलाइन आई, जिसमें अब किराना दुकान, सब्जी दुकानें, फल फ्रूट की दुकानें, दूध डेयरी दिन भर खुली नहीं रखी जा सकेंगी। इनका समय निर्धारित होगा। अब ये दुकानें सुबह 6 से सुबह 9 बजे तक शाम को और शाम को 4 से 6 के बीच तक रहेगा। इसके सिवा अगर दुकानें खोली जाती हैं तो ऐसे दुकानदारों पर अस्थायी जेल भेजने के साथ दुकान सील करने और 118 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। लॉकडाउन के संबंध में जो समय अवधि थी, जिन कुछ रिलैक्सेशन दिए गए थे, उनकी समय अवधि में कुछ आंशिक रूप से संशोधन किया गया है, जिसमें फल, सब्जी, किराना व दूध दुकानें, डेयरियाँ, इनका समय निर्धारित किया गया है, जो कि सुबह 6 बजे से 9 बजे तक रहेगा और शाम को 4 बजे से 6 बजे के बीच में रहेगा। इसी समय अवधि में फल, सब्जी, किराना व दूध डेयरियाँ खुली रहेंगी। इसके बाद यदि खुली रहती है तो उन पर अस्थायी जेल की कार्रवाई, दुकान को सील करने की कार्रवाई, साथ ही 188 की कार्रवाई की जाएगी। खबर भारतवर्ष के लिए बड़वानी से आदित्य शर्मा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।